स्टूडेंट का सीखने का दो पहलू है, वो किताब पढ़कर सीखते हैं, स्कूल में टीचर से सीखते हैं और भी कई तरह के माध्यम से ज्ञान लेते हैं। दूसरा पहलू है स्टूडेंट ने जो सीखा उसकी समीक्षा, क्या सीखा, सही सीखा या नहीं, क्या गलतियां रह गई। टीचर उसे सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट उसका आंसर देता है, टीचर स्टूडेंट का होमवर्क रिव्यू करते हैं, स्टूडेंट की गलतियां सुधारते हैं। अक्सर स्कूल, होम टीचर या कोचिंग सेंटर में सीखने पर ज़्यादा ध्यान और समय देते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या सीखा, स्टूडेंट की गलतियां सुधारना वगैरह पर उतना ध्यान नहीं देते। स्टूडेंट को लगता है उसने सही सीखा, लेकिन उनकी गलतियां रह जाती है, सुधरती नहीं, एग्जाम में सही आंसर नहीं दे पाते, स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाते। डी विद्या में स्टूडेंट को सिखाने के बाद स्टूडेंट और टीचर का रोल बदल देते हैं। स्टूडेंट टीचर के जैसे एक्सप्लेन करता है, टीचर उसे सुनते हैं, गलतियां सुधारते हैं और भी बेहतर काम करने का तरीका बताते हैं। स्टूडेंट आंसर लिखते हैं, टीचर उसे रिव्यू करते हैं, स्टूडेंट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है जैसे टीचर क्लासरूम में एक्सप्लेन करते हैं। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दक्षता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। डी विद्या सिर्फ किताबी ज्ञान और सर्टिफिकेट नहीं देते, स्टूडेंट का करियर बढ़ाने में मदद करते, काम सिखाते हैं और साथ साथ काम भी देते हैं, अच्छे काम के लिए इनाम भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर यह वीडियो देखें, कैसे एक स्टूडेंट टीचर की तरह प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसे एक्सप्लेन भी किया। डी विद्या में हर स्टूडेंट इस तरह के काम कर सकते हैं। हम आपको काम सिखाएंगे और काम भी देंगे। आइए अब स्टूडेंट का काम देखते हैं। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से एक कॉम्बिनेशन का सम एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस सम के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। ये सम का क्वेश्चन यह है कि आउट ऑफ 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 3 डिफरेंट वोवेल्स, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। यानी इसमें बताया जा रहा है कि टोटल 5 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स और 3 अलग अलग वोवेल्स हैं, जिससे हम 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल्स यूज करके कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे कि कितने पॉसिबल तरीके से हम लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसमें से हमें 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज़ करना है, तो इसे 5C3 वेज में अरेंज कर सकते हैं। और फिर उसी तरह हमारे पास टोटल 3 वोवेल्स भी हैं, जिसमें से हम 2 वोवेल्स को चूज़ करना है और तो इसे 3C2 वेज में अरेंज कर सकते हैं। स्टेप 2, तो जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा, कॉन्सोनेंट्स को चूज़ करने का 5C3 वेज है, उसी तरह वोवेल्स को चूज़ करने का 3C2 वेज है, क्योंकि हर कॉन्सोनेंट का 5C3 अरेंजमेंट के लिए हर वोवेल का 3C2 वेज में अरेंज किया जा सकता है। वोवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन को एक साथ जोड़ने से हमें दोनों के
टोटल वेस्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होगा 5C3 मल्टीप्लाई बाय 3C2। 5C3 का वैल्यू होता है 10 और 3C2 का वैल्यू होता है 3। कैसे निकला है वैल्यू, अब देखिए हमारा NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें 5C3 का तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने से हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बनता है और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 हुआ तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू निकलता है क्या, 10। ठीक इसी तरह 3C2 को भी हमने फॉर्मूला में पुट किया तो हमारा आया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे हम सॉल्व किए तो हमारा आया 3। तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो टोटल 30 वर्ड्स हैं हमारे पास। स्टेप 3, तो स्टेप 2 से हमने ये देखा कि टोटल 30 वर्ड्स हैं जिनमें हर वर्ड में 5 लेटर्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल्स। तो उन 5 लेटर्स को 5 परम्यूटेशन वेज में यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 वेज में अरेंज किया जा सकता है। स्टेप 4, अब स्टेप 4 में हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा 5 लेटर्स का टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल गया 30। अब हर 5 लेटर्स वर्ड को 5 फैक्टोरियल यानी 120 वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो दो तरह के अरेंजमेंट, 30 वर्ड्स और हर वर्ड्स के 120 परम्यूटेशंस को कॉम्बाइन करने से टोटल डिफरेंट वर्ड्स होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 120 यानी डिफरेंट 3600 वर्ड्स।